बहुत देर बाद, घंटा डेढ़ घंटा बाद पहुंचे हैं। हम लोग पागल हो गए हैं बुला बुला के। उत्तराखंड में तपिश बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जहां पहाड़ों में कई जंगल धधक रहे हैं तो वहीं आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 3 मंजिला भवन भी आग की चपेट में आ गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल रोड के अंबिका विहार कॉलोनी के हेमंत शाह नाम के व्यापारी हैं, जिनका रेडीमेड कपड़े का काम है। उन्होंने घर पर गोदाम भी बना रखा था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर आग लगने की सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में लगी आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग के चलते लाखों का नुकसान हो गया है और परिवार वाले रोते विलखते देखते रह गए। फिलहाल आग को बुझा लिया गया। अब फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों की तकनीकी रिपोर्ट देगी। वहीं आग से लाखों का नुकसान होने पर व्यापारी के माथे पर बल पड़ गया है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौरव किरार का कहना है कि आग की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन की गाड़ियों को भेजा गया। टीम ने आग पर काबू पा लिया है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग के चलते व्यापारी को भारी नुकसान पहुंच गया है।